नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से संजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो संजय में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच में आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर के। तो आज हम जो विषय लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वह है सपने में किन्नर को देखना। जी हाँ दोस्तों, किन्नर, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो यदि कोई चाहता है कि सपने में किन्नर को देखता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, या शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके क्या सपनों फल होंगे, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ कि जब भी हम सपने एक से अधिक बार या बार बार देखते हैं तो वह सपना कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहता है और उस सपने का कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारे लाइफ से, तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए। तो इसलिए हम इतनी सारी वीडियोस आपको अपलोड करते रहते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं का हल मिल सके। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका जो समस्या है, जो भी आप सपने देखते हैं, आप हमारे वीडियोस को सर्च करिए, आपको सभी समस्याओं का हल मिलेगा। और अगर कोई सपना अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करिए, आप हम उसका निदान आपको जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के टॉपिक पर आते हैं कि यदि कोई जातक सपने में किन्नर देखता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नर का जो एक जुड़ाव है हमारे भविष्य में, जब भी इसका जो एक स्वप्न फल होता है या तो अशुभ माना गया है या अच्छा नहीं माना गया है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस कंडीशन में देखना है, किन्नर को आपने किस कंडीशन में किस अवस्था में देखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई जातक सपने में देखता है कि वह किन्नर बहुत सारे हैं जो कि वह नाच गा रहे हैं, तो यह सपना जो होता है अशुभ सपना बताया गया है। यह सपना बताया गया है कि अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो यह सपना अच्छा नहीं होता है, आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको सचेत रहना है। यदि आप सपने में देखते हैं कि किन्नर आपको कुछ दे रहे हैं उपहार में, पैसे हो खास करके, या कुछ भी उपहार हो, किसी कुछ भी गिफ्ट आपको दे रहे हैं, खास करके पैसा, तो यह एक शुभ सपना होता है, क्योंकि किन्नर के हाथ से अगर आपको कुछ मिलता है तो यह बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले भविष्य में समय में आपका काम बनेगा, जब भी आपने प्लान किया आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स में। तो मिलते हैं एक नए सपने की कड़ी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक अपने परिजनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई सीरीज में। जय माता दी दोस्तों।